सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद RSM एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो टूडेज वीडियो इज अबाउट द कैपिटल बजटिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो आज हम कैपिटल बजटिंग के फार्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से टाइप के फार्मूलाज इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है. आज हम उसके बारे में बात करेंगे एज वेल एज फार्मूलाज किस तरीके से हम याद रख सकते हैं वो भी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा. और ये जो फार्मूलाज है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कैपिटल बजटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा फार्मूला बेस है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द फार्मूलाज, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द कैलकुलेशंस, यू कैन स्कोर फुल 15 or 20 मार्क्स एज पर द क्वेश्चंस विच आर बीन आस्क इन द पेपर एज कंसर्न. तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से भी बोला जाता है. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द लॉन्ग टर्म असेट्स. इसमें क्या होता है? तो कैपिटल बजटिंग में बेसिकली हमें समझो हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्ट्स है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. अगर हम एग्जाम्पल ले, हमारे पास ए प्रोजेक्ट है और हमारे पास बी प्रोजेक्ट है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी. तो अगर हमने देखा कि ए प्रोजेक्ट में हमें 2 lakhs का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और बी प्रोजेक्ट्स में हमें 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, 2 lakh का प्रोजेक्ट एंड 5 lakhs का प्रोजेक्ट. अब एज अ कंपनी हमें डिसाइड करना है कि वेदर 2 lakhs का प्रोजेक्ट हमारे लिए सूटेबल होगा या 5 lakhs का प्रोजेक्ट हमारे लिए सूटेबल होगा. तो यूजुअली वी सी दैट ए प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा या बी प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसके लिए क्या होता है कि कैपिटल बजटिंग के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं. सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और ये डिफरेंट जो मेथड्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रॉम द टू प्रोजेक्ट्स विच प्रोजेक्ट विल बी बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम वेरियस मेथड्स को यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से कौन सा ऑप्शंस सबसे बेस्ट होगा. तो आइए फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है विच इज़ कॉल्ड एज पे बैक मेथड. काफ़ी ईजी फार्मूला है बट उतना ही समझने के लिए डिफ़िकल्ट है. तो फार्मूला इज कंप्लीटेड ईयर्स प्लस फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. तो ये फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, कंप्लीटेड ईयर्स प्लस फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही आपको डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला. देखो कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब होता है ये ईयर्स में आंसर आएगा, आप कितने साल में आपके प्रोजेक्ट का रिकवरी हो रहा है. समझो आपके प्रोजेक्ट का रिकवरी 5 years में हो रहा है, आपने 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 5 lakhs 5 years में मिल रहे हैं, तो आपके कंप्लीटेड ईयर्स बन जाएंगे 5 lakhs. फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो डालूंगा. तो फिलहाल आज हम सिर्फ फार्मूला को समझते हैं. तो द फार्मूला इज कंप्लीटेड ईयर्स प्लस फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. तो ये है हमारा फार्मूला पे बैक पीरियड का. तो फार्मूला को काफ़ी ईजी तरीके से हमें मैंने प्रेजेंट किया है, तो उसको आप याद रखें बिकॉज पे बैक पीरियड के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो पे बैक पीरियड में हमको ये याद रखना है, समझो हमारे पास दो मशीन्स है, ए मशीन और बी मशीन. तो समझो ए मशीन का पे बैक पीरियड 3 years आ रहा है और बी मशीन का पे बैक पीरियड समझो 4 years आ रहा है, तो विच मशीन विल बी बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? ए मशीन विल बी बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे क्यों? बिकॉज ए मशीन में हमारा रिकवरी 3 साल में हो रहा है और बी मशीन में हमारा रिकवरी 4 years में हो रहा है, तो इट इज़ बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन 3 साल में पैसा रिटर्न मिले. दैट इज़ वाई 3 years वाला जो मशीन है वो बेस्ट है. तो उसके लिए पे बैक पीरियड यूज़ होता है. तो whenever वी आर जजिंग और whenever वी आर गिविंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, हमें ये याद रखना है कि जिसके भी ईयर्स कम रहेंगे वो सबसे बेस्ट मशीन हमारे लिए होगा. नेक्स्ट जो है दैट इज़ पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी. तो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला काफ़ी छोटा है,
टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कॉस्ट। तो आपको टोटल कैश इनफ्लो ढूंढना है। टोटल कैश इनफ्लो ढूंढने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बनाना पड़ता है, तो वो फॉर्मेट के बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। और उसमें हमें CCI ढूंढना है। CCI इज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का जो टोटल आएगा, मतलब आपने अगर आपके पास 5 ईयर्स का डेटा क्वेश्चन में दिया है, तो 5 ईयर्स का जो भी आपको टोटल आप करोगे, दैट इज़ योर टोटल कैश इनफ्लो। और माइनस इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैश इनफ्लो। तो ये टोटल कैश इनफ्लो हमें ढूंढना है। इनिशियल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इनिशियल कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगा वो आपको लेना है और उस बेस पे माइनस करना है। तो योर आंसर विल बी टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कॉस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला काफ़ी ईजी है। ARR इक्वल टू एवरेज NPAT। NPAT का फुल फॉर्म है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज NPAT कैसे ढूंढना है? सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना है। तो जितने भी साल का आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, अगर आपको 4 ईयर्स का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो हमें क्या करना है, 4 ईयर्स के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सबको टोटल करना है और उसको 4 ईयर्स से डिवाइड करना है। तो अगर हम 4 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज NPAT मिल जाएगा। तो एवरेज NPAT मिलने के बाद हमें ढूंढना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट? एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। तो आपके मशीन का कॉस्ट देखना है। समझो ए और बी मशीन है हमारे पास। तो ए मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़। तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? 1 लाख को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। मशीन 2 का कॉस्ट समझो 2 लाख है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ ARR। ARR इक्वल टू एवरेज NPAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, विच इज द मॉडर्न मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और जजिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, एंड दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए होते हैं। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होते हैं, ये परसेंटेज में होते हैं, यूजुअली 10%, 12% या फिर 15%। इस परसेंटेज में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए होते हैं और उस बेस पे हमें ढूंढना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। आपको क्या करना है, कैश इनफ्लो का कॉलम बनाना है, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम बनाना है और प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम बनाना है। कैश इनफ्लो का अमाउंट लिखना, डिस्काउंटिंग फैक्टर का अमाउंट लिखना, फिर कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा। ऐसे जितने भी सालों का है प्रेजेंट वैल्यू वो लेना है, फिर इन सबको हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ये हमारा जो ऐड होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का मतलब होता है कॉस्ट। तो जो भी आपका कॉस्ट रहेगा, मशीन का कॉस्ट जितना भी है वो हमें कंसिडर करना है। तो मशीन का कॉस्ट जो भी रहेगा वो लेना है, और यहाँ पे हमें जो यहाँ पे टोटल मिलेगा, दिस टोटल वी हैव टू टेक एंड वी हैव टू डिडक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम दैट, दैट इज मशीन्स कॉस्ट। तो यू विल गेट द आंसर एज NPV। तो ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखें, तो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल कॉस्ट, वैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे डिवाइड करना है। इफ़ यू डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, सेम कैलकुलेशन, और इनिशियल कॉस्ट से अब अगर आप डिवाइड करोगे, तो आंसर जो आएगा वो इंडेक्स होगा। जैसे 1.2 आएगा, 2.3 आएगा, तो दिस विल बी एन इंडेक्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज में आपको एक ही याद रखना है, NPV में हम माइनस करके ढूंढते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम डिवाइड करके ढूंढते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, प्लस NPV ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहाँ पे 8 नहीं है, तो इसका प्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से है। दिस इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन, डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस NPV ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर मैं बता दो आपको कैसे इसमें पॉइंट्स आएंगे, डिवाइडेड बाय, इसको ही डिवाइड करना है, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू
और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। अभी देखो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हमारा पुराना था वही लेना है, समझो 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ लेना है। फिर एनपीवी, जो 10% का एनपीवी है वही यहाँ लेना है। डिफरेंस इन पीवी मतलब हमारे पास दो डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेंगे, 10% और 15%, वो तो 10% का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा और 15% का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस यहाँ पे लेना है। फिर डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब हम समझो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% भी है और 15% भी है, तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना है 5%, तो 5% हमारा डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। सो इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें आइडिया आ जाएगा। फिलहाल आज सिर्फ फार्मूला बेस वीडियो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर फार्मूलाज कैसे याद रखने हैं, फार्मूलाज कैसे है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, तो इसलिए मैंने एक फार्मूलाज के ऊपर वीडियो बनाए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो दिस इज द फार्मूला। सो दिस आर द वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। तो फार्मूलाज को ध्यान से समझे, पहले फार्मूलाज के ऊपर फोकस करें तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज लाते रहता हूँ, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। Thank you very much.